चाहूँगी. ऑफकोर्स स्टोरी है हमारी बंगाल 1947 पार्टीशन के टाइम पे जो भी सिचुएशंस हुए हैं. वैसे तो बहुत सारे सिचुएशंस हुए हैं जो हम सबको पता है, पर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो शायद हमें नहीं पता है. एंड थ्रू दिस मूवी हम वही जो थोड़ी बहुत स्टोरीज़ हैं जो शायद अभी भी लोगों के बीच में नहीं बात हुई है उसके बारे में या नहीं दिखाई गई है, उसी के बारे में हमने इस मूवी में दिखाई है. एंड बाकी तो आप लोग मूवीज़ देखेंगे, लाइक मूवी देखेंगे एंड आपको समझ में आ ही जाएगा. आई एम रियली श्योर कि आप सबको ये मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है. मेरा कैरेक्टर का नाम है रेशमा बाई. सो जैसे मैंने कहा कि बहुत बहुत सारी स्टोरीज़ हैं यहाँ पे, तो रेशमा बाई की भी एक यू नो वेरी प्रोमिनेंट रोल और उनकी भी एक खुद की एक स्टोरी है इस मूवी में ही. एंड थ्रू हर जर्नी यू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे जो जो कुछ भी हुआ था, किस तरीके से उनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा है, या उन्होंने उस यू नो सिचुएशन में कैसे किसकी मदद की थी. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. थैंक यू. दोस्त आकाश आदित्य लामा का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ, और बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं और मीनिंगफुल सिनेमा उन्होंने कुछ बनाया है. बाकी देख के बताऊँगा. मेरी शुभकामनाएं उनको और उनकी टीम को, और आई होप दिस फिल्म डज वेरी वेल. नमस्कार. सो इनफैक्ट आप लोग शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि मेरा फर्स्ट शो अफसर बिटिया के पहले जब मैंने अपना थिएटर डेब्यू किया था यहाँ पे, तो मैंने आकाश जी का थिएटर ग्रुप से ही डेब्यू किया. इनफैक्ट आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ हिज थिएटर ग्रुप. और आकाश जी का राइटिंग एंड डायरेक्टोरियल टैलेंट आई एम श्योर आप लोग इसके पहले भी देख चुके हैं. आई एम अ बिग फैन. आकाश जी जिस तरीके से रियलिटी को यू नो फिक्शन के साथ जो मर्ज करते हैं ना, इट इज़ ब्यूटिफुल. मतलब आपको देखते हुए बोर भी नहीं होगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये रियलिटी नहीं है. यू नो इसमें कुछ पार्ट फिक्शन का भी इन्वॉल्व है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. मैं लास्ट मूवी की स्क्रीनिंग पे आ नहीं पाई थी बिकॉज मैं कई बार शूट कर रही थी, बट आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं जाऊँ और बंगाल 1947 को देखूँ. और आई एम श्योर देखने के बाद मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बोल पाऊँगी. नहीं, मैंने इस मूवी में काम नहीं किया, बट हाँ मेरी दोस्त देवोलीना ने ज़रूर काम किया है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि देवो का देखिए यूजुअली जब हम एज यू नो डेली सोप से जब हम काम करते हैं तो हमारा लुक और हमारे कैरेक्टर्स बहुत टिपिकल से होते हैं, बट देवो का इस मूवी में कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. मैंने उनका देखा था, पोस्टर देखा था एंड थोड़ा बहुत मैंने झलक सॉन्ग की भी देखी है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि देवो इस फिल्म में उनका क्या किरदार है. दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मूवी देखिए और मेरे फ्रेंड आकाश जी, उनकी पूरी टीम, उन सबको ब्लेस कीजिए. और अगर आप लोगों को मूवी पसंद आए, जो आई एम श्योर पसंद आएगी, तो डेफिनेटली आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में बताइए कि मूवी कितनी अच्छी है और आके थिएटर्स में इस मूवी को देखिए और हम सब लोगों को ब्लेस कीजिए. मैंने ऐसी पीरियड फिल्म नहीं देखी है, मैंने ये स्टोरी ऐसी नहीं सुनी है, तो मैं चाहती हूँ लोग देखें इसे और बहुत प्यार दें. ये डिज़र्व करती है फिल्म आपका प्यार. मेरा कैरेक्टर है, मेरे कैरेक्टर का नाम बासव दत्ता है. बहुत प्यारा कैरेक्टर है, चुलबुला कैरेक्टर है, प्यार में मगन कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर. अंग्रेजी में हिंदी ठीक है. तो पीरियड फिल्म का म्यूज़िक करना जो है हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और मेरा पुराना सिलसिला रहा है पीरियड फिल्म्स का. पान सिंह तोमर का म्यूज़िक किया था मैंने, तो पान सिंह तोमर से मेरा पीरियड फिल्म का म्यूज़िक करना शुरू हुआ. एंड इसमें बहुत रिसर्च, उस ज़माने में क्या म्यूज़िक था, किस तरह का मूड है फिल्म का, वो सारा कंसिडर करते हुए, फिल्म के मूड को पकड़ते हुए वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना जो उस ज़माने में यूज़ होता था, एंड टू गेट द ओवरऑल फीलिंग ऑफ रेबेलियन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू कैच इन दिस फिल्म. तो इसमें सिम्फनी का प्रयोग है और सिम्फनी के साथ इंडियन एलिमेंट्स स्प्रिंकल्ड है, और इसमें जो लीड सॉन्ग है वो मैंने गाया है और साथ में एक बहुत नामचीन सिंगर प्रतिभा सिंह बघेल ने गाया है. एंड मैं आशा करता हूँ कि ये फिल्म जो है दूर तक जाएगी. कोई सवाल? सॉन्ग इन दिस फिल्म चलो सखी सौतन एंड शी इज द सिंगर पल्लवीश पुनियानी. पल्लवीश पुनियानी सामने देख के बात करूँ. हेलो, हाय, मेरा नाम प्रियव्रत पानीग्रही है.
मैंने एक सॉन्ग इसमें कंपोज किया है चलो सखी सौतन, और मैडम उसकी सिंगर है पल्लवी इश्कोडियाली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाउस फिल्में जिन्हें हम आर्ट फिल्म कहते हैं, और दूसरी एक्सट्रीम होती है कमर्शियल फिल्में। ये फिल्म बंगाल 1947 मेरे ख्याल से एक ऐसी आर्ट फिल्म है जिसे कमर्शियल रिलीज मिल रही है, एंड विच इज़ वाई आई थिंक कि हमारी फिल्मों में सेंसिबल फिल्मों का ज़माना, सेंसिबल सिनेमा का ज़माना फिर से लौट के आ रहा है। एक मिसाल आपको देता हूँ, वो थे बासु चैटर्जी, कि जिन्हें स्टार्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी लेखनी पर, अपनी थीम पर, अपने डायरेक्शन पर फिल्म ले जाते थे, और उनको हम आज भी याद करते हैं। उनमें गाने भी होते थे, आर्ट फिल्मों में गाने नहीं होते। वैसे कोई कहेगा ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय, दे वर आर्ट फिल्म मेकर्स विद स्टार्स, दे कुडंट वर्क विदाउट स्टार। लेकिन आकाशादित्य लामा अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ थिंकिंग मैंस डायरेक्टर, और वो ईरा, सेंसिबल सिनेमा का ईरा, युग वो वापस ला रहे हैं। मेरी सारी की सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। एक और बात वॉइस ओवर के बारे में इस फिल्म की बता दूं कि वो उनकी प्रोफेशनल ऑनेस्टी का परिचायक है। अगर ये वॉइस ओवर ना रखते तो वो बहुत सारे सीन्स डालते उसमें, लेकिन उन्हें चाहिए था कि जो थीम है, जो कहानी है, वो तेज़ी से आगे बढ़े, और वो जो कहना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ नाटक ड्रामा नहीं है, इसमें दर्शन है, फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इसमें उनके तब के विचार हैं जो आज बताए जा रहे हैं, और तब के वो विचार थे जिनका कार्यान्वयन आज हो रहा है। मेरी हृदय से शुभकामना इस फिल्म को है, और आकाशादित्य लामा जी को नमस्कार। एक नया एक्सपेरिमेंट भी इस फिल्म में मिल रहा है कि कमर्शियल फिल्मों में नरेशन इस तरह नहीं होता, सारा नरेशन आपको ले जाता है फिल्म को, कहीं भी आपको चांस ही नहीं होता है, या आपको कहानी में कहीं आपको ऑब्स्टिकल्स नहीं नज़र आता, पूरा नरेशन की वजह से। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ इन फिल्म मेकिंग, कमर्शियल फिल्म मेकिंग, आप इसको तो कमर्शियल फिल्म ही बोलना पड़ेगा, और ये इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नए जो सोचते हैं लोग कि फिल्म में कोई नया स्टाइल हो, नई चीज़ हो, लेकिन ये नयापन आकाश जी ने लाया है, एंड ये सराहनीय बात। थैंक यू मैम। ओके, सो आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मोहन, विच इज़ अ पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम बाहर से एजुकेशन लेके वो आ रहा है अपने देश में। क्या क्या चीज़ें वो देश में देखता है, कैसे कैसे बदलाव पे बात करता है, तो उसकी जर्नी है, कैसे प्यार में पड़ता है, राइट? सो दिस इज़ द स्टोरी। जी, और मैं प्ले कर रही हूँ शबरी का किरदार, और ये एक छोटी सी आदिवासी बस्ती है, डोम लोगों की बस्ती है, वहाँ की एक लड़की है, एंड देन what happens with her when Mohan comes to the village, and किस तरह से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है, और किस तरीके से वो यू नो सारे सर्कमस्टांसेस के साथ साथ वो आगे बढ़ती है और बदलती है, तो वो आप देखेंगे फिल्म में। मुझे बहुत सारी चीज़ें याद रह गई हैं एक्चुअली, और उसको एक सेंटेंस में समअप तो नहीं करा जा सकता, बट हाँ, आज के टाइम की जो शूटिंग आप देखते हैं जिस तरह की, तो उन परिस्थितियों से बहुत अलग परिस्थिति में हमने शूट किया, साथ बैठ के खाया पिया, फोन्स और बाकी सारी चीज़ों से दूर रहकर हमने शूट किया है, तो वो सब एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बिल्कुल साथ में। बिल्कुल। सो बंगाल 1947 का नाम इसलिए है क्योंकि ये कहानी बेस्ड है 1947 के इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन पे। सो प्रिमाइस वही है, एंड देन इन दैट प्रिमाइस यू गेट टू सी अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कॉम प्रोडक्शन और थिंक टैंक ग्लोबल का ये साझा प्रयास है, और ये एक ऐसा लव स्टोरी है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के 1947 में जो दो भाग हुए थे हिंदुस्तान के, और एक प्रेम कथा भी है, मतलब प्रेम है और राष्ट्र प्रेम भी है इस फिल्म में। तो आप लोग अवश्य देखें और इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार भी कीजिए। और इस फिल्म के निर्देशक आकाशादित्य लामा, वो मेरे मित्र हैं, अच्छे निर्देशक हैं, अच्छे लेखक हैं, और हम लोग साथ में कई कार्यों से जुड़े हुए हैं। मैं सभी कलाकारों को भी ऑल द बेस्ट कहता हूं और इस फिल्म को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये फिल्म हर भारतीय देखे, ये राष्ट्र प्रेम और ये एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। धन्यवाद। मैं जब मुंबई में आया था, मेरे पास रहने की भी जगह नहीं थी, तो ये सर है मेरे, राजेश मित्तल सर, इन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई है, छोटे बजट की फिल्म बनाई है, लेकिन इनसे मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखी है। मैं इन्हीं के ऑफिस में रहता था, रंजीत स्टूडियो में, और इनका ऑफिस बॉय और मैं साथ में सोते थे एक ही छोटे से जगह में, और वहाँ से सर से मैंने बहुत सीखा। तो सर बहुत बहुत आपका आशीर्वाद दीजिए, और आपसे मैंने सीखा है, आज ये फिल्म बना रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है सर। सर कुछ मुझे बहुत बहुत गर्व है कि मेरे असिस्टेंट आज डायरेक्टर बने हुए हैं, और भगवान करे बहुत सफलता प्राप्त करें। ये पिक्चर के नाम बहुत सुना था मैंने, और आज देखिए इन्होंने अंजाम पहुंचा दिया। मुझे उम्मीद नहीं था कि ये इतना आगे जाएंगे, लेकिन आज देखिए सब ऊपर वाला है जो इनको तरक्की दे रहा है, सब इनकी मेहनत है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है, हमारे यहाँ थे, कई फिल्में मेरे साथ किया है इन्होंने, लेकिन बहुत मेहनत की है, बहुत शर्मिला उस वक्त ऐसे आया थे, तो लगेगा नहीं कि अब ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन आज देखिए झंडा गाड़ दिया इन्होंने इंडस्ट्री में। और मैं बस गुजारिश करूँगा कि ये पिक्चर आप सब अपने दोस्तों को भी बताएँ और लोगों को भी बताएँ कि बंगाल 1947 रिलीज हो गई है कल, इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग। बस यही मेरी दुआ है कि ये आगे से आगे बढ़ें और फिल्में करते रहें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। 150 थिएटर तो होगा ही, रिलीज होगा, क्योंकि और भी ज़्यादा अगले वीक में और करेंगे, 500 थिएटर करेंगे। ये पिक्चर के बड़ी मैंने पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने, और बहुत मेहनत किया है। इस टाइटल से ही पता लगता है कि जब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक, क्या हालत थी पंजाब और बंगाल में, तो ज़बरदस्त हालत थी, उसी के ऊपर सब्जेक्ट लेकर इन्होंने बनाई है फिल्म। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बस मेरी दुआएं हैं इनके साथ, लामा जी के साथ, कि इनके पिक्चर को सक्सेस कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए, दुआओं में बहुत असर है। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश मित्तल है। बस मैं भी 50 साल से फिल्म लाइन में हूँ, बहुत फिल्में बना चुका हूँ, और ये बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, बस यही मेरी आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच सर, सबको बहुत खुशी। स्टोरी है, लेकिन ये कहाँ लव स्टोरी सेट है, उस समय जब देश का बंटवारा हो रहा था, ये मोहम्मद अली जिन्ना के जब डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान हुआ था, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और ये लव स्टोरी एक देखा जाए तो अभी तक चल रही है, इस तरह की कहानी है, और 71 तक तो प्रोमिनेंटली बताते हैं इसमें, और अभी तक चल रही है। तो इस तरह की एक लव स्टोरी है जो देश के विभाजन के समय सेट है। हमने पंजाब वाली कहानी बहुत सुनी है, जो क्योंकि उस समय देश के दो ही हिस्सों का बंटवारा हुआ था, पंजाब और बंगाल का, तो हमने पंजाब वाली कहानी बहुत सुनी है, बंगाल वाली नहीं सुनी, ये बंगाल की कहानी है। तो इसका टाइटल बंगाल 1947 क्या हो जाए, वही एक चॉइस किया बंगाल 1947। देखिए ये ना हमारे, मेरा एक प्ले है शबरी का मोहन, उसके ऊपर बेस्ड है वो नाटक के ऊपर। लेकिन जब हमने शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे, जो बंग भाषी लोग हैं उन लोगों के साथ शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये केवल 2 या 3 लोगों की, 4 लोगों की कहानी नहीं है, भले आप प्रेम कथा बता रहे हैं, लेकिन इसमें तो हम सबकी इसमें व्यथा जुड़ी है, हम सबका दर्द जो है इस कहानी के पीछे। तो उन्होंने कहा कि इसका सर ये तो पूरे बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसीलिए जो है हमने उसका नाम बंगाल 1947 किया। और हमारे प्रोड्यूसर सर है सतीश सर, जब और ऋषभ जी, इन्होंने भी जो कहा, हमारे इंटरनल डिस्कशन हुआ, इनफैक्ट कई लोगों का सुझाव था, जैसे मधुर भंडारकर जी वगैरह, उन्होंने ही एक्चुअली इस तरह से इस टाइटल के लिए कहा था। मतलब जब हमने उनके सामने चॉइस रखा कि लोगों ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मित्र है बल्लू सलूजा, एडिटर है जो बहुत जाने माने, उन्होंने भी इस पर स्टैम्प लगाया। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अभिषेक रे, इन्होंने भी स्टैम्प लगाया।
तो सब ने हमें लगा कि बंगाल 1947 जो है फिल्म के साथ ज़्यादा न्याय करती है, इसलिए इसका नाम बंगाल 1947 है। जैसे कि ये मूवी कहाँ शूट हुई है? बंगाल 1947 नहीं, ये फिल्म पूरी छत्तीसगढ़ में शूट हुई है। हाँ, और पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, जो मेन प्रोड्यूसर है वो मेरे फादर है, सतीश पांडे जी। आपने अगर सीरियल देखा होगा हम लोग, तो उनके ये DOP रह चुके हैं, तो तब से हमने 4 decades से इस इंडस्ट्री में, आज हम सब यहाँ पर खड़े तो सिर्फ इन्हीं के वजह से खड़े हैं, इनके आशीर्वाद से और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनके विजन से। तो प्लीज़ पहले आप इनसे पूछे सवाल, जो प्लीज़ पूछना है। इन्होंने जामिया में पढ़ाया है, उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं जामिया मास कमिलिया में DOP, उसमें कैमरा डिपार्टमेंट। ही इज बिन द वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री एंड 2 national अवार्ड मिले हैं। प्लीज़ कुछ आपके जो सवाल है प्लीज़ पहले इनसे पूछे। हाँ नहीं पापा प्लीज़ फिल्म के बारे में आप बताएं, पुस्तकों के बारे में आप बताएं। नहीं आप बताइए, बताओ ना। फिल्म जो है ये आइडिया, पहले तो मैं बताता हूँ ये आइडिया कैसे आया कि 40 साल काम करने के बाद, 30-35 साल काम करने के बाद, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद, काफ़ी जूरीज में हम लोग थे, तो जूरी में आए हमें आकाश जी मिले, क्योंकि ये भी को जूरी में थे। तो कोविड टाइम में ऋषभ जब बॉम्बे में ऑफिस से दिल्ली आया, तो हम उनकी भी इच्छा थी कि एक फिल्म बनाई जाए। तो आकाश जी कोविड टाइम में हमारे यहाँ फिल्म एडिट करने आए, नाटक एडिट करने आए, जिसका नाम था शबरी का मोहन। हाँ। तो वो देख के हम तीनों का आइडिया हुआ कि भाई एक फिल्म बनाते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर फिल्म बनाते हैं। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई, तो ये फिल्म बनी। इसके बाद जो फिल्म बनी उसके अंदर 2 साल लगे मतलब करते करते, लेकिन आकाश जी और ऋषभ ने बहुत आपस में बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन का था। मेरा रोल बाहर से था, सेटेलाइट जैसा था, लेकिन मेहनत इन दोनों ने की है ज़्यादा। मेहनत नहीं, तो बेसिकली हम आकाश जी एक्चुअली हम दोनों के दोस्त हैं, पापा मैं दोनों के दोस्त हैं, इनका भी मित्र हूं, इनका भी मित्र हूं, कल आज और कल है। तो इस तरीके से, और ये फिल्म हमने बड़ी मेहनत से, आकाश जी का विजन है, इन पापा की एक पाथ है, हम तीनों ने मिलकर कोशिश की कि लोगों के लिए एक फिल्म ऐसी बनाए जो उनको पसंद आए। ये विभाजन की कहानी है, बट एक एंटरटेनिंग और अच्छी तरीके से हमने बताई कि उस समय हुआ क्या था, और कोशिश यही है कि लोगों को इसके बारे में आइडिया हो कि हुआ क्या था, और उसी के बारे में हमने बताया है बस। सर ये मूवी पूरी इंडिया में रिलीज हुआ है आज की? पूरे देश में नहीं, फुल इंडिया, पूरे देश। दर्शकों क्या कहना चाहेंगे? पापा, दर्शकों से यही कहना चाहिए कि आपको अपना पास्ट को पता होना चाहिए। हर एक कोई बात करता है कि 1947 में जो भी हुआ वो सिर्फ पंजाब और वहाँ पे हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बंगाल में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। तो ये लोगों को दिखाना था कि बंगाल में, लेकिन सिर्फ वो दिखाने से काम नहीं चलता, इसलिए अब इसमें लव स्टोरी भी है, तो एक मिश्रण है फिल्म का एक तरह से। नहीं, अभी सिर्फ हिंदी भाषा में है, और ज़रूरत पड़े तो हम इसको बंगाली में और छत्तीसगढ़ी में डब करेंगे, बाकी भाषाओं में भी डब कर सकते हैं हम। हाँ, डबिंग कर सकते हैं। थैंक यू, हमें शुभकामना देने सुप्रिया जी आई हुई है, TV की जानी मानी एक्टर। थैंक यू सुप्रिया जी, आई एक हिस्ट्री में क्या हुआ, हमने किस तरीके से कितनी स्ट्रगल करके आज देश को यहाँ तक पहुँचाया है जिन लीडर्स ने, तो आई गेस उसके बारे में जानने में मैं जरा भागी शूट से आ रही हूँ, तो थोड़ी अस्त व्यस्त हूँ, बट गुड विशेज देने के लिए ऑलवेज देयर, सो मैं गुड विशेज देना चाहती हूँ आकाश को और सर को। सो ऑल द बेस्ट टू द फिल्म एंड मे एवरीबडी वॉचेज इट, गॉड ब्लेस। पर बहुत हौसला चाहिए ऐसी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि इस फिल्म में 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो एक लव स्टोरी है which is set in the middle of the chaos and the turmoil of the freedom movement. और जो freedom movement आज तक हमने देखा है हिंदी फिल्मों में, वो अधिकतर जो है western, जो पाकिस्तान के साथ separation है उसी पे focus होता है। ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसी एक फिल्म है जिसमें the focus is on the east Pakistan divide, मतलब बंगाल साइड, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक लव स्टोरी को पिरोया गया है amongst that situation, और इस फिल्म में बहुत सारा नॉलेज है जिसको बहुत एफर्टलेसली आज की जनता को बोला जा रहा है, क्योंकि जो हमारी जो पास्ट है, हमारी माजी के जो कोक से वर्तमान का जन्म होता है, तो ये बहुत सारी बातें जो हमें पता नहीं है इस फिल्म में एक बहुत ही अनोखे अंदाज से पिरोया गया है और आपके सामने रखा गया है। पीरियड फिल्म करने का मेरा एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव डन द म्यूज़िक ऑफ पान सिंह तोमर, और सतीश जी के कारण इतने साल बाद जो है फिर से मुझे एक पीरियड फिल्म करने का मौका मिला, क्योंकि
पीरियड फिल्म में एक म्यूजिक कंपोजर बधा होता है, वो हर तरह की इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं कर सकता, उस पड़ाव में उस वक्त में जो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग होता था उन्हीं को चुन चुन के लाके उस फिल्म का म्यूजिक कैनवस बनाया गया है। तो इट्स लार्जली सिम्फनी विथ लाइव वायलेंस और उसके ऊपर इंडियन एलिमेंट्स स्प्रिंकल किए गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये फिल्म जो है दूर तक जाएगी। थैंक यू।